हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा आ गई हूँ फिर से एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो गाइस, ये है मामा अर्थ वाइटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद वाइटामिन सी एंड गोटू कोला। आई डोंट नो गाइस व्हाट इज दिस गोटू कोला, एंड डेफिनेटली इफ़ यू नो अबाउट इट ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। 24 आवर हाइड्रेशन जो है ये प्रोवाइड करती है, ऐसे यहाँ पे मेंशनड है। बताऊंगी गाइस कि कितने घंटे तक जो है ये रहता है आपके फेस में। वीडियो में जो है लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। इट इज़ दिस मॉइस्चराइजर, इट इज़ पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री, लाइट वेट फार्मूला एंड सूट फॉर ऑल स्किन टाइप। नेट कंटेंट की बात करती हूँ गाइस, तो ये प्रोडक्ट की नेट कंटेंट है 80 ग्राम का प्रोडक्ट। इसकी मैन्युफैक्चर डेट जो है ये है फरवरी 2022। इसकी एक्सपायरी जो है ये है जनवरी 2024। इसकी जो MRP कॉस्ट है ये है ₹299। बात करूंगी गाइस हु ऑल कैन यूज़ दिस मॉइस्चराइजर, तो कोई भी मैन एज वेल एज वुमेन जिनकी एज जो है 15 से अबव होनी चाहिए वो इस मॉइस्चराइजर को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ डायरेक्शन फॉर यूज़ में इसमें बताया है कि आप मॉर्निंग में एक टाइम अप्लाई कीजिए एज वेल एज नाइट पे एक टाइम अप्लाई कीजिए। तो देयर दे हैव गिवन व्हाट ऑल द इंग्रेडिएंट्स दे हैव यूज टू मैन्युफैक्चर दिस मॉइस्चराइजर। साथ ही साथ डायरेक्शन फॉर यूज, टिप फॉर द ग्लोइंग स्किन एज वेल एज हु इज स्वेटेबल फॉर। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोग को एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ के सुना दूंगी। टिप्स फॉर ग्लोइंग स्किन में यहाँ पे क्या यहाँ पे ये मेंशन किया है। अप्लाई अ मिक्स ऑफ ए टर्मरिक एंड ए लेमन जूस एज ए एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन फॉर ग्लोइंग स्किन। ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन ड्यूरिंग द डे टाइम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्किन डैमेज एंड रिड्यूस द इनटेक ऑफ शुगरी एंड फैटी फूड्स। तो देयर दे हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन या फिर टिप्स जो है यहाँ पे ये मेंशन किया फॉर द ग्लोइंग स्किन। सो डेफिनेटली गाइस, अगर आप इसको फॉलो करते हो या अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप ज़रूर से बताना। पहला पॉइंट जहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है, तो मिक्स ऑफ टर्मरिक एंड लेमन जूस। लेमन जूस जो होती है थोड़ा बहुत एसिटिक नेचर की होती है, तो अगर आपकी है सेंसिटिव स्किन तो आप लेमन जूस को जो है अवॉइड करना प्रेफर करेंगे। तो गाइस, अब इसका जो मॉइस्चराइजर है ये ऐसे मॉइस्चराइजर में आपको प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे ट्यूब में जो है आपको ये मॉइस्चराइजर मिलता है। सो ईच एंड एवरीथिंग जो कि इस पैक में लिखा हुआ था, द सिमिलर थिंग जो है इसमें भी लिखा हुआ है। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अप द थिंग्स गाइस, बट यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूंगी इसका टेक्स्चर, कलर एज वेल एज इसकी डेंसिटी या डाइल्यूटनेस एंड ऑल। तो गाइस ये है वाइट टेक्सचर में, और साथ ही साथ जो है गाइस इसकी स्मेल जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट है। बात करती हूँ गाइस ये लाइट वेट है कि नहीं, तो येस लाइट वेट की है ये प्रोडक्ट जहाँ यहाँ पे मेंशन किए हैं। साथ ही साथ गाइस ये हाइड्रेट करता है आपके फेस को, और ये 24 घंटा तो नहीं रखता है डेफिनेटली, ये 7 to 8 आवर्स तक जो है आप इसको ऐसे लेके चल सकते हो कि हाइड्रेट रखेगा। इन केस ऑफ ड्राई स्किन में बात कर रही हूँ गाइस, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेरी है ड्राई स्किन, बट ऑयली स्किन के लिए हो सकता है कि टाइम वेरी करे। अब गाइस इसको थोड़ा बहुत सही से रफ कर लोगे तो जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही जल्दी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन पे। साथ ही साथ ये मॉइस्चराइज रखता है आपका 8 घंटे के आसपास। फॉर मी गाइस इट इज़ जस्ट अ गुड परचेज, एंड सीरियसली आई फेल्ट लाइक एक मॉइस्चराइज़र में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि ये मॉइस्चराइज़र दे रही है। आप इसके ऊपर अगर चाहे कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहे ये या नहीं यूज़ करना चाहे देन ऑल्सो इट्स बहुत सही से जो है ये मॉइस्चराइज काम करते हैं स्किन के ऊपर। रेटिंग वाइज अगर बात करती हूँ गाइस, 5 में से मैं इसको 4.5 रेटिंग ज़रूर से देना चाहूँगी, और ये ड्राई स्किन के लिए मेरे लिए तो काफ़ी सही है। बट इफ़ यू आर द वन यूजिंग दिस प्रोडक्ट, ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये प्रोडक्ट कितना सही लगा आपको। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही साथ गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, ज़रूर से शेयर सब्सक्राइब।